बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फर्दर 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे के बी पी एस सी जोलॉजी पास्ट पेपर 2021 के। सो एमसीक्यू नंबर 21 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग वंस? कैंगरू, हेजहॉग, डॉल्फिन, लॉरिस, लॉइन, बेट, वेल, ऑस्ट्रिच, प्लेटिपस, पेंगुइन, बेट, हिप्पोपोटामस, श्रू, बेट, कीवी और एक और यहाँ पर मिसिंग है। तो अब इनमें से जितने भी ये एनिमल्स दिए हुए हैं, इनमें से चारों, इसमें से कोई ऐसा सेट हमने सेलेक्ट करना है जो सारी वीवी पैरिटी शो करे, मींस दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। दिस कंडीशन इज़ नोन एज वीवी पैरिटी और वीवी दीज एनिमल्स आर नोन एज वीवी पैरस एनिमल्स। अब जो हमारे पास मेमल्स हैं तो दीज आर वीवी पैरस, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। लेकिन मेमल्स में से फिर एक क्लास है हमारे पास मोनोट्रीम्स की, विच इज़ नोन एज एग लेइंग मेमल्स। फिर उसमें हमारे पास प्लेटिपस इंक्लूडेड हैं, प्लेटिपस डग या डग बिल प्लेटिपस जो हैं, दिस इज़ एन एग लेइंग मेमल। अब ऑप्शन ए को ही देख लेते हैं, कैंगरू, तो कैंगरू हमारे पास मेमल हैं, वीवी पैरिटीज में है। हेजहॉग, डॉल्फिन, लॉरिस, दीज ऑल आर मेमल्स एंड दीज आर वीवी पैरस। दिस शोज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीवी पैरिटी, मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, वाई दे आर नॉट द करेक्ट ऑप्शन। लाइन, बेट, वेल, दीज आर मेमल्स, दे शो वीवी पैरिटी, बट ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, दिस शोज ओवो पैरिटी या दिस इज एन ओवो पैरस एनिमल, मीन्स दे गिव बर्थ टू एन एग। इससे एग की डेवलपमेंट, उससे लार्ज साइज एग्स, ऑस्ट्रिच के आपने एग्स ऑब्जर्व किए होंगे, काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, इनमें योक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद प्लेटिपस, तो ये दिस बिलोंग्स टू मोनोट्रीम्स और एग लेइंग मेमल्स, तो ये भी वीवी शो नहीं करता। पेंगुइन जो है, ये हमारे पास बर्ड हैं, तो बर्ड जो है वो भी ओवीपैरस हैं, दे आर नॉट वीवीपैरस। बेट, हिप्पोपोटामस, दीज आर वीवीपैरस। श्रू, बेट, दीज आर वीवी पैरस, लेकिन जो कीवी है, दिस इज अ बर्ड और दिस शोज ओवो पेरिटी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन नंबर ए, कैंगरू, हेजहॉग, डॉल्फिन, लॉरिस, दिस शोज वीवी पैरिटी, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। एमसीक्यू नंबर 22 इज, इन सी एनिमोन द सिमेट्री इज, सी एनिमोन इज एन एनिमल विच बिलोंग्स टू फाइलम सीलेंट्रेटा। अब सीलेंट्रेटा वाहिद ऐसा फाइलम है which is included in grade radiata. Radiata का मतलब है they shows radial symmetry. अब इनमें से जो symmetry है, it is radial. Radial symmetry का मतलब ये है कि इनकी जो body है, फॉर एग्जाम्पल इनकी जो बॉडी है, दिस इज द बॉडी ऑफ द सी एनिमोन, तो अगर इसको हम एक प्लेन में काटें तब भी इसके दो हाफ्स बनते हैं, दूसरे प्लेन में काटें तब भी इसके दो हाफ्स बनते हैं, एक और प्लेन, जिस भी प्लेन से आप इसको इसकी कटिंग करें, तो इसे हमारे पास दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाए। सो ये जो है हमारे पास रेडियल सिमेट्री इसमें मौजूद हैं, दिस इज इंक्लूडेड इन रेडिएटा, द सिमेट्री इज रेडियल। एमसीक्यू नंबर 23 इज, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कैंगरू? अब पैरट, प्लेटिपस और कैंगरू, इन तीनों में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हैं? पैरट बर्ड हैं, प्लेटिपस एग लेइंग मेमल हैं और कैंगरू जो हैं ये हमारे पास पाउच्ड मेमल हैं। तो टूथलेस जॉज, फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, ओवोपेरिटी, होम्योथर्मी। होम्योथर्मी जो है ऐसी कंडीशन है विच इज़ कॉमन बिटवीन द बर्ड्स एंड मेमल्स। बर्ड्स और मेमल की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे आर रेफर्ड एज एंडोथर्म्स, या इसको हम होम्योथर्मी भी बोलते हैं, कि बाहर का टेम्परेचर चाहे डिक्रीज हो, इंक्रीज हो, जिस तरीके से भी चेंज हो, लेकिन इंटरनल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, उसको बॉडी मेंटेन करती है, होम्योस्टेसिस में होती है। तो बर्ड्स और मेमल्स की सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, बाकी जो हमारे पास एनिमल्स हैं दे मे बी कोल्ड ब्लडेड। एमसीक्यू नंबर 24 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? अब इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है विच इज मिसमैच्ड? एपिस इंडिका, तो एपिस इंडिका हमारे पास, इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हनी को, दीज आर हनी बीज। कीनिया लेका, इससे हम लेक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पेला ग्लोबोसा, पर्ल, तो पर्ल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दी पर्ल ऑयस्टर, नॉट दी पेला ग्लोबोसा। बॉम्बिक्स मोराई, और इसके साथ हैं सिल्क,
तो सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम बॉम्बिक्स मोराई, इससे ऑब्टेंड किया जाता है। तो मिसमैच्ड हमारे पास इसमें से हैं ऑप्शन सी पिला ग्लोबोसा पर्ल, इससे पर्ल ऑब्टेंड नहीं किया जाता, पर्ल इज ऑब्टेंड फ्रॉम दी पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का। एमसीक्यू नंबर 25 इज डाइजेशन विद इन अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज, अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारे पास GIT है, इसमें से डाइजेशन इनकम्प्लीट होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर सेम एज एब्जॉर्प्शन। तो जो डाइजेशन है डाइजेस्टिव ट्रैक में जो होती है, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर, दिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, दिस डज नॉट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, और दिस इज इन इनकम्प्लीट डाइजेशन। जनरली बात हो रही है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो डाइजेस्टिव ट्रैक GIT है एक्चुअली, और दिस इज प्रेजेंट इन द हायर ह्यूमन बींग्स। तो इसमें से एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, मीन्स आउटसाइड द सेल होती है, नॉट इनसाइड द सेल, इनसाइड द ऑर्गन होती है, स्टमक एट्सेट्रा। एमसीक्यू नंबर 26 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स अकर्स इन, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ओमनीवोर हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स पर भी फीड करते हैं, एनिमल्स पर भी फीड करते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स वैरायटी ऑफ फूड इज इंक्लूडेड इन ओमनीवोरस, ओमनीवोरस फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ फूड। तो इस वजह से ओमनीवोर एनिमल में जो नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं वो भी फिर ज़्यादा होते हैं इनकी डाइजेशन के लिए। एमसीक्यू नंबर 27 इज डाइजेस्टिव जूस लैकिंग एंजाइम बट हेल्पिंग इन डाइजेशन इज, अब ऐसा जिसमें से डाइजेस्टिव जूस जिसमें से एंजाइम प्रेजेंट नहीं है बट इट हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस, तो दिस इज बाइल विच इज सिक्रेटेड बाय द लिवर एंड देन स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, इट कंटेन्स बाइल साल्ट्स, और वो जो है हेल्प करते हैं डाइजेशन में। एमसीक्यू नंबर 28 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट, अब एंजाइम और सबस्ट्रेट का इसमें से हमने मैचिंग पेयर सेलेक्ट करना है। तो एमाइलेज लैक्टोज, अब जो लैक्टोज है इसके लिए एंजाइम एमाइलेज नहीं है, इसके लिए जो एंजाइम चाहिए इसके डाइजेशन के लिए इट इज लैक्टेज, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के लिए चाहिए। ट्रिप्सिन स्टार्च, तो ट्रिप्सिन इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन डाइजेशन नॉट द स्टार्च डाइजेशन। रेनिन जो है ये भी चाहिए प्रोटीन के डाइजेशन के लिए नॉट द लिपिड। इन्वर्टेज और सक्रेज, तो सक्रोज और इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज इज द सब एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर सक्रोज। दिस इन्वर्टेज ब्रेक डाउन द सक्रोज इंटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। एमसीक्यू नंबर 29 इज विच टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन, अब स्पाइडर और स्कॉर्पियन दीज बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास एरेक्नेडा। क्लास एरेक्नेडा की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं दीज आर बुक लंग्स, बुक लंग्स के थ्रू इनकी रिस्पायरेशन होती है, इनके जो लंग्स का स्ट्रक्चर है वो उसमें से काफ़ी नंबर ऑफ प्लेट्स मौजूद होते हैं, इस वजह से इनको बुक लंग्स बोलते हैं कि बुक की पेजेस की तरह ये लंग्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 30 इज इन विच ऑफ दीज स्किन सर्व्स एज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन, अब इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें स्किन एज ए एसेसरी ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन एक्ट करता है, जिसमें स्किन भी हेल्प करता है रिस्पायरेशन प्रोसेस में। तो लिजर्ड बिलोंग्स टू रिप्टाइल्स, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, फ्रॉग की एम्फीबियंस की करेक्टरिस्टिक है कि वहाँ पर लंग्स भी यूज होते हैं फॉर रिस्पायरेशन और स्किन भी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 31 इज फूड डज नॉट एंटर विंड पाइप ड्यू टू स्ट्रक्चर कॉल्ड, तो विंड पाइप इज द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो अब जो है जब फूड हम लेते हैं, अब विंड पाइप के साथ हमारे पास मौजूद होता है दूसरा ट्यूब विच इज ग्लॉटिस, दिस ग्लॉटिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इन दोनों के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है विच इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस, अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर जब फूड लेते हैं हम तो वेंट पाइप को क्लोज कर देता है, और जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो, गैसियस एक्सचेंज हो, तो ग्लॉटिस को कर देता है, क्लोज कर देता है। तो इस तरीके से एपिग्लॉटिस का फंक्शन जो है ये कंटिन्यूसली टू एंड फ्रॉम मोशन करता रहता है। एमसीक्यू नंबर 32 इज हीमोसाइनिन अकर्स इन, ऑप्शंस हैं एनेलिडा, इंसेक्टा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो हीमोसाइनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग
एस्पायरेटरी पिगमेंट. अब ये जो है हीमोसाइनिन है, दिस इज प्रेजेंट इन मोस्टली इन मोलस्क्स एंड इन आर्थ्रोपोड्स. फिर आर्थ्रोपोड्स में ये हमारे पास मौजूद होता है. आर्थ्रोपोड्स में फिर जो क्लास इंसेक्टा है उसमें ये मौजूद नहीं होता, उसमें एब्सेंट होता है इंसेक्टा में. इंसेक्टा जो क्लास है इसमें सारे इंसेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, और इंसेक्ट्स का जो ब्लड है दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस. दैट्स वाई द इंसेक्ट्स ब्लड डज नॉट कंटेन एनी रिस्पायरेटरी पिगमेंट. दे कंटेन एन एयर ट्यूब सेक्स, तो इसकी वजह से वहाँ पर वो बस डायरेक्टली फिल होते हैं एयर से और पूरी बॉडी में रिस्पायरेशन होती है. तो यहाँ पर इंसेक्ट्स में कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं होता. आर्थ्रोपोडा में जब हम बात करते हैं हीमोसाइनिन की, तो वो एरेक्नेडा और क्रस्टेशियंस की हैं, नॉट इन द इंसेक्ट्स. इसके अलावा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज मोलस्क्स एंड आर्थ्रोपोड्स स्पेशली एरेक्नेड एंड क्रस्टेशियंस कंटेन द रिस्पायरेटरी पिगमेंट विच इज़ हीमोसाइनिन. एमसीक्यू नंबर 33 इज सार्स इज कॉज्ड बाय अ वेरिएंट ऑफ. तो सार्स जो है ये है सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, और इसको कौन सा वेरिएंट कॉज करता है, तो कॉमन कोल्ड के लिए जो वायरस हैं जिसकी फिर वेरिएंट्स आए हैं कोरोना वायरस, तो इसको ये कॉज करता है सार्स. सार्स जो है इसका इसकी सिम्टम है, सिंड्रोम है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. If you like this video, hit the like button, subscribe to our channel and share with your friends. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.